The question is, we have to integrate the function which is sin x raised to the power 3 by 2 divided by sin x raised to the power 3 by 2 plus cos x raised to the power 3 by 2 between the limit 0 to pi by 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ और क्वेश्चन हमारे पास है आई, इसको हमने आई से भी रिप्रेजेंट कर लिया है। आई इज योर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, दिस इज 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स रेज टू द पावर 3 बाई टू एंड डिवाइडेड बाई दैट इज साइन एक्स रेज टू द पावर 3 बाई टू प्लस कॉस एक्स रेज टू द पावर 3 बाई टू और डीएक्स। और अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है और अब मैं गिवन क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये स्टेटमेंट आपके पास बराबर होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डीएक्स के। और इनकेस अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंजेस हमें करने हैं वो ये होंगे कि जो जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाय टू माइनस एक्स से। तो फाइनली ये बन जाता है साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें तो ये फिर से बनेगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू प्लस कॉस इट इज पाई बाय टू माइनस एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू और ये डीएक्स के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस सीटा कॉस सीटा के बराबर होता है साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉस एक्स से और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं साइन एक्स से। और इनकेस अगर आप ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो सेम एक्सप्रेशन अब आपका कन्वर्ट होगा 0 टू पाई बाय टू, न्यूमरेटर आपका बनेगा कॉस एक्स टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स रेज टू द पावर 3 बाय टू प्लस साइन एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू डीएक्स। और लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के डिनोमिनेटर को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी साइन एक्स की पावर 3 बाय टू प्लस कॉस एक्स की पावर 3 बाय टू है और यहाँ भी आपका साइन एक्स की पावर 3 बाय टू प्लस कॉस एक्स की पावर 3 बाय टू है। और इनकेस अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट में आई और आई ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2i में। अब क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन की लिमिट सेम है तो आप लिमिट को अलग कर लीजिए डेट इज 0 टू पाई बाय टू और जो पार्ट आपके पास लेफ्ट आउट बचेगा वो आपके पास होगा साइन एक्स टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू प्लस कॉस एक्स टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू, ये आपका न्यूमरेटर। और क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही था तो ये फिर से बनेगा साइन एक्स टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू प्लस कॉस एक्स टोटल रेज टू द पावर 3 बाय टू और ये डीएक्स के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म डायरेक्टली आपका कैंसिल हो रहा है या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2i इज योर इंटीग्रल 0 टू पाई बाय टू एंड इट इज सिंपली dx। अब राइट हैंड साइड को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो dx को इंटीग्रेट करके आप x लिख सकते हैं और इस फंक्शन की लिमिट है 0 से लेके पाई बाय टू तक, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 2i इज योर पाई बाय टू माइनस 0 और वी कैन से दैट i इज योर पाई अपॉन 4। दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग प्रॉब्लम।